नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से एवरीबॉडी श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओके सो सात सौ अस्सी 780 पार्टिसिपेंट्स वेरी बोल वेलकम एंड थैंक यू for joining. Abhinandan. Congratulations. Jo aap sabhi ne mil jul ke is Zoom conference mein jab kiya ye bhi जयपयज्ञ है या यही जयपयज्ञ है मतलब आप सभी ने हम सभी मिलके यज्ञ किए यज्ञानाम जपयज्ञों से भगवान कहे गीता के 10वें अध्याय में सभी यज्ञों में जपयज्ञ श्रेष्ठ है इसका भी समझ लीजिएगा. हरी हरी वाह. और सारे सारे हमारे जो कार्यकलाप है ये सब यज्ञ पुरुष के प्रसन्नता के लिए करने होते हैं. यज्ञार्थात कर्म अन्यथा लोकोयम कर्म बंधनः ऐसे भी भगवान कहे हैं. सारे कार्य यज्ञ के लिए यज्ञ की प्रसन्नता के लिए यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए. अभी अभी हम सभी ने मिलके ऐसा ही यज्ञ किया. इसको संकीर्तन यज्ञ भी कहते हैं. इसको जप यज्ञ भी कहा है. ऐसा यज्ञ करने से लोकोयम कर्म बंधन हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं. जैसे फिर पुनः भगवान कहे हैं मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासचः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करना भी क्या है. नामाश्रय नाम का आश्रय कृष्ण का आश्रय या माम एकम शरणम हम करते हैं. माम एकम शरणम मेरे अकेले की शरण में आओ. क्या करते हुए हरेर नामैव केवलम हरि नाम का जप या संकीर्तन करते हुए हम भगवान का आश्रय लेते हैं. ये सब समर्पण भी है समर्पित होते हैं. तो फिर भगवान ने क्या कहा हमने अपना धर्म निभाया. कली कालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन कलियुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन. हम धार्मिक हो गए हमने कीर्तन किया हमने जप किया भगवान के शरण में आए सर्वधर्मान परित्यज भी किया कर्म कांडीय धर्म ये धर्म वो धर्म ज्ञान कांडीय धर्म कई प्रकार के धर्म को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य भी किया
और मामेकम शरणम व्रज भी किया, भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए तो ये धर्म को निभाया हमने। ये जीव का धर्म है, जैव धर्म जिसको फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहे, जैव धर्म, जीव का धर्म। तो जब हम ऐसे धार्मिक बनते हैं, जिसको ही हम श्रील प्रभुपाद कहते रहे कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान के नाम का आश्रय, फिर भगवान की शरण में आते हैं। हरी हरी। एनीवे तो फल क्या है? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भगवान हमको मुक्त करते हैं। जाने अनजाने हमने पाप किए हैं कि नहीं, क्यों नहीं, पाप ही करते रहे। कृष्ण भावना में आने के पहले का जो सारा जीवन पाप में ही रहा, या हो सकते हम पापियन में नामी, पापियों में हम विशेष थे, नामी थे, हमारा नाम था पापियों में। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय नामी पापी कौन थे? जगाए मधाए। तो वो हरी हरी। तो कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, उन सभी पापों से, पापेभ्य पापेभ्य मतलब अनेक पापों से, पापेभ्य बहुवचन में कहा है, एक पाप से नहीं, क्योंकि हमने केवल एक ही पाप नहीं किया था, हमने तो कई से अनेक पाप किए। तो पापेभ्य पाप से मोक्षयिष्यामि, अहम मोक्षयिष्यामि, मैं मोक्ष देता हूँ, भगवान ने कहा है। हरी हरी। तो अभी अभी हम और थोड़े और मुक्त हो गए। ये जप यज्ञ करते हुए जूम कॉन्फ्रेंस में। हरी हरी। और इसी ये यज्ञ फिर विश्व शांति के लिए भी यज्ञ बन जाता है, विश्व शांति, मन शांति। यह विश्व के वैश्विक चित्त शुद्धिकरण भी होता है, कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस, सारे संसार के लोगों के मिलके जो भावना है, कॉन्शियसनेस है, उसका भी शुद्धिकरण होता है। ऐसे जप यज्ञ करने से, संकीर्तन यज्ञ करने से, इसको पहले हम समझाए हैं। तो विश्व कल्याण के लिए, तो ये विश्व कल्याण का कार्य भी हमने किया जप करते हुए, संकीर्तन करते हुए। वैसे तो पहुंच ही जाता है ये जब का जो शब्द है, ध्वनि है, हरे कृष्ण ये जो ध्वनि है, ये सर्वत्र फैलती है। हरी हरी। विश्व भर में इसका प्रसारण हो जाता है।
तो भी हम अलग से भी प्रयास करते हैं इस जप को, भगवान के नाम को औरों तक पहुंचाने का। हरी हरी। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वैसा करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु वे खुद भी वैसे अपने परिकरों के साथ श्रीवास आंगन में कीर्तन और नृत्य किया करते थे, और फिर विशेष प्रार्थना हुई अद्वैताचार्य द्वारा प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में। संसार भर के लोगों का क्या होगा प्रभु, उनका भी सुनना और देखना चाहिए, इस कीर्तन को सुनना चाहिए, आपके नृत्य को या भक्तों के नृत्य को देखना चाहिए। संसार को देखने दो, सुनने दो, ऐसा कुछ कार्य करो, ऐसी कुछ लीला खेलो। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के मैदान में उतरे प्रातःकाल। सन इज राइजिंग, मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ। उदिलो अरुण जब होता, उदिलो अरुण जब अरुणोदय झाला, सूर्योदय के समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने कई सारे परिकारों को, असंख्य परिकारों को लेके प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे नुपूर बाजे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु डोलते हरिनाम करते हैं, केवल डोलते ही नहीं, नृत्य करते, फिर उदंड नृत्य करते। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेना। तो फिर इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान का आदर्श रखे। यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जैसे जैसे आचरण करते हैं या आदर्श रखते हैं, तो फिर इतरा जना, और लोग और जो और लोग जो होते हैं, या साधारण लोग होते हैं या फिर अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे श्रेष्ठों ने किया। नेताओं ने किया तो वैसे ही करते हैं। अरे अरे वाह। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपना ने परिकरों के साथ वे इंडोर भी कीर्तन करते थे, करते रहे, और फिर आउटडोर भी उन्होंने किया। तो हमको भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए, और हमारे सभी आचार्यों के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए, फिर वे षड गोस्वामी वृंद है या आचार्य त्रय है, नरोत्तम दास इत्यादि, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य अभी ठाकुर है। तो इन आचार्यों के हम
ऋणी है। उन्होंने ही परिणाम संकीर्तन धर्म का पालन किया, आचरण किया और अपनी आचरी जगते सिखाए, सारे संसार को सिखाए। या फिर वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अपने आचरण से सिखाए और हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्य इन्होंने अपने आचरण से, अपने कार्यकलापों से सिखाया है, आदर्श रखा है। आचार और प्रचार का आदर्श रखे हैं। तो श्रील नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने आचरण भी किया, आचार भी और प्रचार दोनों किया। नहीं तो वैसे कहा जाता है कुछ लोग आचार तो चलता रहता है लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं प्रचार तो करते हैं लेकिन आचार स्वयं कुछ नहीं करते। और आप करो हरे नाम ही व केवलम जप करो, ये करो वो करो, लेकिन खुद नहीं करते। और कुछ खुद तो करते हैं लेकिन औरों को कहते नहीं है, औरों को प्रेरित नहीं करते, औरों से नहीं करवाते। ये सारे धार्मिक कृत्य या जप इत्यादि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, औरों से नहीं करवाते। तो श्रील भक्ति विनोदना श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ये खासियत रही, स्पेशलिटी। उन्होंने दोनों भी किया, उन्होंने प्रैक्टिस भी की और प्रोपगेशन भी किया, आचरण भी किया और प्रचार भी किया। वाह, हरी हरी। तो इन दिनों में आचार की तो आवश्यकता सब समय होती ही है, और प्रचार की वैसे हर समय आवश्यकता होती ही है, लेकिन फिर कुछ विशेष समय भी आ जाते हैं, कोई विशेष प्रसंग या कालावधि, तो फिर इसकी ये अनिवार्य हो जाता है, ये अत्यावश्यक हो जाता है ये प्रचार। और वो समय आजकल का ये समय है, कोरोना वायरस। कुछ भक्तों ने आज भी लिखा, आज के पोस्टिंग चैटिंग में, ये करुणा, कोरोना ही हमारे लिए करुणा बन रहा है। और वैसे अब तक आप इसको सुन भी चुके हो बहुत बार और समझ भी रहे हो, तो ये अधिक अधिक प्रचार करने का भी समय है। तो अब और भी आपके सारे रिपोर्ट्स भेज रहे थे, जैसे या सची कुमार अमरावती से, उनका आज बर्थडे भी है, तो आप सब की ओर से सची कुमार प्रभु को क्या, हैप्पी बर्थडे टू सची कुमार प्रभु। यस, आप भी, आपकी शुभकामनाएं हैं कि नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आप सभी की ओर से। हरी हरी, और शुभकामना के साथ यस ये भी कह सकते हैं, कुछ दिन पहले कहा था चैतन्य महाप्रभु से, किसी ने जब आशीर्वाद मांगे तो चैतन्य महाप्रभु किन शब्दों में आशीर्वाद दिए, इसको याद है किन शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, लिखो।
हैप्पी बर्थडे कहे चैतन्य महाप्रभु, या विश यू हैप्पी वट एवर जर्नी ऐसा कहे, वेरी गुड वेरी गुड। उन्होंने कहा कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्णेर नहीं होगा कृष्णे होगा, केवल कृष्णे कृष्ण में विसर्ग नहीं आ गए, तो कृष्णे मतिर है, कृष्णे मतिर अस्तु। तो हम भी शशि कुमार प्रभु से कह सकते हैं क्या हमारी शुभकामना, कृष्णे मति अस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगे। तो आप भी याद रखिए फिर उसको, जब कोई आपसे आशीर्वाद मांगता है या आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो ये भी इस प्रकार से, ये भी पद्धति है, ये कह के भी आप आशीर्वाद दे सकते हो। क्या कहोगे? कृष्णे मतिरस्तु, मति ही मतिर अस्तु। तो और फिर आप सभी कोई लिख भी रहे हैं, महालक्ष्मी माता जी शिरडों से भी लिख रहे, लिखते इसका ओके अच्छी गुड आइडिया, भूलना नहीं चाहते हो, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू फॉरगेट देन राइट इट डाउन, प्रभुपाद कहा करते थे, किसी बात का वो याद रखना चाहते हो तो उसको लिख लो, क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा इस स्मृति का, हमारी मेमोरी ऐसी मंद मंद। एनीवे अरे तो हुआ, तो आप कई सारे रिपोर्ट भेज रहे हो, आप बिजी हो, आचार और प्रचार में, दिल्ली से कौन हमारे गोवर्धन प्रभु, उन्होंने लिखा कि हमने कल चैतन्य चरितामृत से चरितामृत पढ़ा और क्या ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, जो चैतन्य महाप्रभु के वचन है, तो उस पर व्याख्या की जूम कॉन्फ्रेंस पर। और फिर श्रीमती राधिका माता जी ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने लिखा कि हमने सुनी वो व्याख्या, गोवर्धन प्रभु जब सुना रहे थे, थैंक यू गोवर्धन प्रभु। तो तापस में इस प्रकार आप बोधयंता परस्परम कर रहे हो, इसको कहते बोधयंता परस्परम, एक ने बोध किया या बोध को सुनाया और दूसरे भक्त ने सुना और फिर प्रत्युत्तर में वो भक्त भी अपना कोई साक्षात्कार सुना सकता है। तो लाइक दिस एक डायलॉग या संवाद शुरू होता है भक्तों भक्तों के मध्य में। या तो और भी कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आप में से कुछ भक्त पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो, पठन पाठन हो रहा है हमारे श्रीधर माधव पुणे से, कुंती महारानी की प्रार्थना सुना रहे हैं। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हम भागवतम पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी इन दिनों में आचरण पठन भी हो रहा है और आप पाठन भी करने लगे हो। तो दिस इज या और साथ में आपके कीर्तन भी हो रहे हैं,
5 o'clock का कीर्तन भी हो रहा है, अखंड नाम संकीर्तन, सारे विश्व भर में 5 o'clock कीर्तन हो रहा है, तो उसको भी आप हमने आइडिया दी थी। अलग अलग परिवार अपने अपने घरों में उपस्थित है, विद्यमान है, लेकिन वहीं से आप जोड़ सकते हो जूम के जरिए, आप 10-20 परिवार साथ में कीर्तन कर सकते हैं। जी जी क्योंकि ये श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन एक तो नाम का, हरेर नामैव नाम का श्रवण कीर्तन, और साथ ही साथ कथा का श्रवण कीर्तन या नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण धाम कीर्तन, ऐसे हम आपको समझाते रहते हैं। ये सारा कीर्तन है, तो नाम कीर्तन भी है और कथा भी कीर्तन है। या किसी ने आई थिंक बस श्रीमती राधिका ही लिख रहे थे, हमने गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का भागवत प्रवचन सुना कल, और आई थिंक हमारे भी कीर्तन मराठी में हो रहे हैं, तो उसे भी याद रखिए। और आपके मराठी रिलेटिव्स, अगर आप महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग हो तो और उनको स्मरण दिलाइए। उसका श्रेय भी आपको मिलेगा, आपने किसी को प्रेरित किया, ये कथा सुनो, यहाँ कथा हो रही है, कथा कर रहे हैं, वो कथा कर रहे हैं, प्रभु जी या माता जी या महाराज, यहाँ इतने समय ये कथा यहाँ पर आप सुन सकते हो, ऐसा आप कहोगे भी तो यू गेट द क्रेडिट, ये प्रचार हुआ, आपने प्रचार किया, उस कथा का प्रचार किया। कथा स्वयं आपने तो नहीं सुनाई, लेकिन आपने उस कथा को सुनने के लिए किसी को प्रेरित किया, तो आपने प्रचार ही किया, उस कथा का प्रचार किया। तो मराठी की कथा हो रही है 10 बजे, और अभी लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो चुका है, तो ये कथाएं भी एक्सटेंड आपको भी करनी है जो आप कर रहे हो, कीर्तन कथा का प्रचार प्रसार इसको भी बढ़ाना है, और हम भी जो कथा का प्रसारण प्रीमियम प्रीमियर जो चल रहा है मराठी कथा 10 बजे और 5:30 वह कथा इन इंग्लिश, इस सायंकाल के 5 बजे अंग्रेजी में कथा हम सुना रहे हैं, या पहले सुनाई थी उसी को अब रिलीज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एवर, और फिर 8 बजे हिंदी में ये कथा। आजकल कुछ ध्रुव चरित्र हो रहा है, भागवत कथा हो रही है 8 बजे रात्रि के, तो हुआ तो हम भी बढ़ा रहे हैं अपनी ओर से कथा कीर्तन और भी कई सारे संसार भर के हरे कृष्ण भक्त। तो आप भी जुड़ जाइए, यू ज्वाइन दीज फोर्सेस, यू जंप इन टू एक्शन, और गूंजने दो भगवान का नाम सर्वत्र, होने दे भागवत की कथाएं सर्वत्र।
भागवत की कथा जब होती है या कोई सुनाता है तो इसको कहा है कि ये गर्जना है। भागवत की कथा कहो या इवन गीता कथा या भागवत महात्म्य में कहा है ये इस गर्जती गर्जन होता है। भगवान की कीर्ति का कि गर्जना गर्जना समझे गर्जना। सो ये जब कीर्तन इज इंक्लूडेड कीर्तन की गर्जना कथा की गर्जना जब होती है तो जैसे सिंहनाद सिंह जब गर्जना करता है तो उस सिंह की नाद को सुनने वाले लोमड़ी या बंदर या और जो छोटे मोटे प्राणी है डर से दौड़ते हैं दूर जाते हैं। तो वैसे ही कहा है कि जो नाम संकीर्तन होता है नाम की गर्जना होती है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की गर्जना होती है जब इसका कीर्तन होता है तो वह माया ये मायावी फोर्सेस या राक्षसी प्रवृत्ति कहो या अधर्म या पाप के विचार भी मांस भक्षण के विचार या नशापान का विचार अवैध स्त्री पुरुष संघ के विचार जुगाड़ खेलने के विचार ये सारे विचार विचार भी और वासना भी मन में घुसी हुई फंसी हुई वासनाएं भी उस स्तर पर भी ये गर्जना कार्य करती है और वहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ ये पाप बुद्धि आपके विचार वासना और फिर ये कृत्य भी हो रहे हैं वो दूर दूर या कृत्य करने वाले लोग हैं वे दूर भागेंगे दूर चले जाएंगे। तो होने दो गर्जना करो गर्जना नाम संकीर्तन की गर्जना करो भगवान के कथा कीर्तन की गर्जना करो और यही धर्म जीव का यही धर्म है। और गर्जना नहीं हो रही है इसीलिए संसार पीड़ित है और इसीलिए ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होते रहता है। तो इस पर सोल्यूशन है ये हरिर नामैव केवलम या पुण्य श्रवण कीर्तन ये कीर्तन श्रवण कीर्तन कथा ये पुण्य है पुण्यात्मा बनोगे आप। अरुध्यंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुरसुताम तो जो भी अभद्र अमंगल विचार भी है मन में छिपे हैं हृदय में उसके दाग है कलंक है इसकी धुलाई होगी कथा कीर्तन से। हरी हरी। तो इसी के साथ फाइनली आपको गुड न्यूज़ वैसे पहले ही देनी चाहिए थी हमारे या धीरज अग्रवाल याद है नाम नागपुर से हमारे कॉन्ग्रिगेशन के एक भक्त जो कोरोना वायरस पॉजिटिव ऐसा रिजल्ट आया था और कल हमने गुड न्यूज़ शुभ समाचार सुना कि अब कल जब टेस्ट हुई तो अब रिपोर्ट निगेटिव आ चुका है। तो इस कोरोना वायरस से वे मुक्त हो चुके हैं
तो आप सभी ने जो प्रार्थनाएं की होगी ही, तो आपको आभार, भगवान ने आपकी प्रार्थना को सुना और अपने धीरज अग्रवाल प्रभु को ठीक हुए हैं, उसी के साथ वैसे उनका परिवार भी घर वालों को भी और फिर साथ ही साथ हरे कृष्णा मंदिर वालों को और कुछ कांग्रेगेशन के भक्तों को, कुछ 40 भक्त क्वारंटाइन में थे लगभग 2 सप्ताहों से, तो कल उनकी भी और टेस्ट हुई और दे हैव बीन ऑल क्लियर्ड, सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, तो वे भी सब अपने अपने घर और राधा गोपीनाथ मंदिर आधे तो कल ही लौट चुके थे आई थिंक, आधे से अधिक आज, तो कल मैं और आज ये सभी लौट रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस गुड न्यूज़ और आपकी प्रार्थना के लिए पुनः आभार. ओके, विल स्टॉप हियर. हरे कृष्ण और प्रेमानंदे.